अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हाँ डॉक्टर इज कमिंग इन 2 मिनट्स। यार डिंपल, हमारी प्रॉब्लम है ना, हम सॉल्व कर लेंगे। थेरेपिस्ट पे आने की क्या जरूरत है यार? क्योंकि ऋषि, सब कुछ ना प्यार मोहब्बत से सॉल्व नहीं होता। यू ऑल्सो नीड लॉजिक। मरी ना, यही प्रॉब्लम है, पता है? हर चीज में लॉजिक घुसेरने की कोशिश करती हूँ। ये ना तुम्हारा कोई ऐप नहीं है जिसमें बग है और कोई प्रोग्रामर आके उसको ठीक कर देगा, ठीक है? दिस इज अ रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी ऐप में ना बग्स नहीं होंगे। क्यों? तुम्हारे दिल में बग है इसलिए। डजंट मैटर, माय ऐप इज गोना बी फ्लॉलेस। यार अगर ऐसा देखा जाए तो रिलेशनशिप्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऐप्स, ओके? तूने एआईबी का स्केच नहीं देखा है क्या? इफ ऐप्स फॉर पीपल, मेक सेंस। डिंपल, यू जस्ट कंपेयर्ड आवर रिलेशनशिप टू एन ऐप। यू आर हार्टलेस। यू आर हार्टलेस। And you're senseless, also overly dramatic. Calm down. This is why we need a therapist. हम किसी चीज़ पे agree नहीं करते हैं। You know what? मेरा हो गया। मैं जा रहा हूँ। ठीक है? कहाँ? जहन्नुम में। चलोगी? सुन, टैक्सी के पैसे ले जा मेरे से। Pimple and Rishi. That's us. अच्छा, now we're us. अब कहाँ गई तुम्हारी individuality? So what is the problem here, guys? यार तो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता क्या? मैं जो करूं वही तेरे को करना है? Why are you such a copycat? हाँ, मेरे को कभी कभी लगता है कि मैं ना अपने आप को ही डेट कर रही हूँ। इधर this is not आत्मनिर्भर to some other extent only. Fine, relax, I'll try. See, again he agreed. इसका कोई point of view ही नहीं है। अरे मैं क्या करूँ? हाँ मतलब मैं पानी भी चैन से नहीं पी सकता। एक तो कोल्ड कॉफी रुइन कर दिया तुमने मेरे लिए। पता है आजकल मुझे बुरे सपने आते हैं कोल्ड कॉफी के, कि एक कोल्ड कॉफी का मग ना नाइफ के साथ चीन 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 करके मेरे पीछे भाग रहा है। गरम कॉफी ना जो तपती हुई होती है ना, वो भी मैं पी लेता हूँ कि गलती से वो ठंडी ना हो जाए। मेरी जीभ पता है तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा जली हुई है। बट यू नो व्हाट्स कोल्डर देन अ कोल्ड कॉफी? व्हाट? योर हार्ट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट योर पीसीएसडी। पीसीएसडी क्या है? पोस्ट कॉफी स्ट्रेस डिसऑर्डर। अरे स्ट्रेस ये लड़की ये पूरा टाइम करके बैठी रहती है, कभी स्माइल नहीं करती। ये पूरा टाइम 24/7 सड़ी हुई रहती है। ये इतना सड़ती है कि अगर इसके हाथ में मैं दूध दूं ना, वो फट के पनीर बन जाएगा। इतना लंबा रिलेशनशिप, ये एक फोटो में इसकी स्माइल नहीं है। पूरा टाइम एक डिस्प्ले पिक्चर नहीं लगा पाए। कितना मुश्किल है, कैसे करती हो तुम ये? एक सेकेंड, आप मेरे को बताओ, साथ में फोटो सोशल मीडिया पे डालना उसको प्यार बोलते हैं क्या? उसको प्यार नहीं, उसको पीडीए बोलते हैं, ठीक है? और मैं सड़ी हुई नहीं रहती हूँ, ये कुछ ज्यादा ही खुश रहता है लाइफ में। हाँ, नॉर्मल इंसान इतना खुश हो सकता है? तू न्यूज नहीं पढ़ता क्या? तू रियल लाइफ में नहीं रह सकता क्या? ये इतना खुश होता है औरों के रिसेप्शन में भी जाके ना, दूल्हा दुल्हन से ज्यादा बड़ी स्माइल होती है इसकी फोटो में। एंड द मोस्ट अनोइंग थिंग, डॉक्टर इसे झूठ बोलता है। वेल, ऑनेस्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ रिलेशनशिप। ऑनेस्टी के बिना ना रिलेशनशिप नहीं होती है। करेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट हाउ ही लाइज टू यू। नो, एक सेकंड, तुम पागल हो, ठीक है? ये एक सेकंड, तुम पागल हो। मैंने झूठ पता है क्यों बोला था? क्योंकि मैडम का बर्थडे था, मैडम को सरप्राइज देना था, इसलिए मैंने झूठ बोला था। तू पकड़ा गया था इसलिए तूने बोला था कि तूने सरप्राइज दिया था। और एक मिनट, PS5 के जमाने में PS3 कौन देता है? इससे ना तो मैं नीचे बिल्डिंग वाले चिंटू के साथ लंगड़ी खेलूंगी ना बर्थडे पे। द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट PS3 या PS5। माय प्रॉब्लम इज एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। क्या जरूरत है रिलेशनशिप के इतने अर्ली स्टेज पे इतना खर्चा करने का प्रेशर? क्यों? इसके पिछले बर्थडे पे मैंने उसको वही वाला परफ्यूम दिया जो मैं यूज करती हूँ। आखिर सूंघना तो मुझे ही पड़ेगा ना, तो फिर मैं I might as well just give him something that I like. You know what I mean, right, doctor? नहीं, you know what? I know what you mean. मेरी गलती है, I am sorry. मेरी गलती है कि मैंने इसको इतना thoughtful gift लाके दिया, मैं ही तो पागल था। यार यही तो इसकी problem है। ये हर बात ना अपने दिल से सोचता है। मेरे को पता, स्कूल में जब साइंस का लेक्चर चल रहा था तो तू बाथरूम में एक दरवाजे के पीछे पोएट्री लिख रहा था क्या? नहीं, पता है जब साइंस का लेक्चर चल रहा था ना तो मैं वहीं था, बस मुझे उन लोगों ने ये नहीं बताया कि ह्यूमन बीइंग्स हार्ट के बिना भी पैदा होते हैं। डॉक्टर आप एक काम करें ना, आप इनको ही थेरेपी दे दीजिए, इनको ज्यादा जरूरत है। मेरे को जरूरत है। ये मेरे मम्मी को दिन में 1000 बार मैसेज करता है। कौन करता है मैसेज शिकायत करने के लिए? आंटी ये मेरा फोन नहीं उठा रही, आंटी देखो ना डिंपल मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही। ये इतनी बार मम्मी को मैसेज करता है ना, मम्मी भी अवॉइड करने लग गई है तेरे को। तेरे मैसेज के लिए मम्मी का फोन बजता रहता है, पापा को शक होने लग गया है। तुमसे बेटर तो ना सच में तुम्हारी मम्मी है,
कम से कम वो 24 घंटे में एक मैसेज का तो रिप्लाई कर देती, तुम्हारी जैसे रोबोट नहीं है यार, तुम कैसे निकल गई ऐसी? आई एम सो सरप्राइज कि तुम मुझसे अभी तक बाइनरी कोड में बात नहीं करती हो। 1110001010 ओह बाय द वे दैट मींस हाय। डिड यू जस्ट कॉल मी अ रोबोट? यस बिकॉज़ यू आर अ रोबोट। नो आई एम नॉट। और पाइथन के जमाने में बाइनरी कोड स्पीकिंग रोबोट चिंता होती है इसकी। ओके काम डाउन गाइस, आई नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। व्हाट? You guys are completely mismatched. I think I've heard both sides of the story. और मेरे हिसाब से ना, this relationship can be fixed. अगर आप अपने weaknesses को अपने strengths में evolve करोगे. You know, relationship में बात करना बहुत जरूरी होता है. Sure, doctor. आप जो कहेंगे हम करेंगे. I mean, इसलिए तो यहाँ आए हैं. All right. So here's what we do. Dimple, you clearly have a lot of ego issues. और ना तुम बहुत self-absorbed हो. You're obsessed with yourself. इतना unhealthy amount of obsession अपने आप से भी है और आपको अपने ऐप से भी है। एंड ऋषि, सब कुछ ना इतना रोमांटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी है, लाइफ इज हार्ड, एवरीथिंग इज नॉट अ धर्मा मूवी। थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए ना लाइफ में, अपने लाइफ को एक रियलिस्टिक व्यू से। एक सेकेंड, तू कौन होता है ऋषि को अनरियलिस्टिक बोलने वाला? आई नो वो थोड़ा रोमांटिसाइज करके सारी चीजें जीता है, लेकिन एटलीस्ट ही इज नॉट अ नेगेटिव पर्सन। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। एक सेकेंड, हाउ डू यू कॉल डिंपल सेल्फिश? I mean, I understand कि वो थोड़ी practical है, but it's for our own good ना? मैं तो हमेशा हवा में उड़ते रहता हूँ। हाँ, लेकिन मेरा मतलब। नहीं नहीं, एक सेकंड। हम एक दूसरे को criticize कर सकते हैं। हाँ। तू कौन होता है हमें criticize करने वाला? बताओ। अभी मिलना है तेरे से, तू तो जानता भी नहीं है। हाँ? बड़ा आया बताने वाला। ऋषि तू ना करेक्ट था यार। हाँ, मैंने चाहिए तुम्हारी थेरेपी, हमें रिफंड चाहिए। हाँ, हाँ, हमारा वैसे नहीं, एक सेकंड, हमारा वैसे भी जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, अभी पैसे दो, चलो निकालो। नहीं, आप ऐसे बात नहीं कर सकते। ऋषि एक सेकंड, भाड़ में गया रिफंड, हमें रिफंड नहीं चाहिए, निकलते हैं यहाँ से। यार, I'm really sorry I brought you here. Baby भाई, you sorry. Please don't be sorry. You were only trying to help me. It's okay. और वैसे भी ना, हमें क्या पता था कि हमारा थेरेपिस्ट इतना बदतमीज और हार्टलेस निकलेगा। सिक्योरिटी, एक दूर से सोशल डिस्टेंसिंग में पहले करो। चलो हटो, जा रहे हैं, हटो। ये भी मैं भी, यू नो आई थिंक वी मेक अ गुड टीम। आई मीन आई नो मैं थोड़ी सी सड़ू, पर तो रिलेशनशिप में रोमांस लाता है। तुम हमारे रिलेशनशिप को ग्राउंडेड रखती हो। एक्चुअली यू नो व्हाट, आई थिंक वी आर अ परफेक्ट मैच। आफ्टर यू माय फ्यूचर वाइफ। वे यार, ऐसे कौन बात करता है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? वाज दिस सपोज्ड टू बी एन इनडायरेक्ट प्रपोजल? पब्लिक ना आईफिल टावर में जाकर प्रपोज करती है, मेरे को ममता कार की लिफ्ट में प्रपोज करेगा। यू नो तेरी यही प्रॉब्लम है। तो एक काम कर, तू रहने दे यार। Who's gonna be your wife? Definitely not me. अच्छा, I'm sorry. No, no. You know what you should do? इस थेरेपिस्ट का नंबर लेके रख ले। किसी और लड़की के साथ आना, क्योंकि प्रॉब्लम ना तेरे में, तो दूसरी लिफ्ट लेके आया। This was quite a requested video. जब से mismatch का trailer निकला है, तब से कई सारे DMs आए जा रहे हैं, comments आए जा रहे हैं कि why you not doing a video with Rohit? So I'm like, bring it to the channel. So I did it. Was there a particular reason I did this? Yeah. What yeah. is it? I think it's because we have a show on Netflix. Oh yeah, that little thing. When is it releasing again? Tomorrow. That is the 20th of November. Netflix पे we've got a web show called Mismatch, जिसमें ये ऋषि हैं और ये डिंपल हैं और बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है, and there's a lot more to it. So please go watch it. आपने अगर ट्रेलर देखा ना हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. Also please follow Rohit Saraf on Instagram if you don't already. Actually no, you don't follow Rohit Saraf. You stalk Rohit Saraf. Do that on Instagram. I'll put a link to his Instagram in the description. And thanks, buddy. Thanks, buddy, for having me. I feel. Can I just say one thing very, very quickly? Yes. Dum Dum Army. I think I'm obsessed with y'all. I think I am obsessed with y'all. My day starts with y'all. My day ends with y'all for the last couple of days ever since the trailer came out. So thank you so much for showing all the love that y'all have. I am so grateful. Thank you. Okay, if you haven't subscribed to my channel, wo kar dena. I mean, also get a Netflix subscription, but like also subscribe to mostly say. I will see you again on Saturday until we meet. रुक नहीं, सॉरी ऐसे नहीं। पता है मुझे कैसे सपने आते हैं आजकल? डोंट लाफ यार, यू आर सच अ मैन। चीन करके मेरे पीछे भाग रहा है। गरम हट यार, नहीं मुश्किल से किया था यार मैंने। पता है आजकल मुझे कैसे सपने आते हैं?
You did it this time. You did it this time. I didn't do it. Sorry.